राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना में पदस्थापित एसआई अमरनाथ सोनी पर मारपीट का आरोप लगा है और मारपीट का मामला SC ST थाने में भी दर्ज हो गया है। जिनके साथ मारपीट की गई है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। एक एक कर जानेंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत है, क्या हुआ था बताइएगा। अब थाना गए थे, उसके बाद क्यों मारपीट की गई आपके साथ? एक मेरा ज़मीन का एक मामला था तो उसको लेके हम थाना में गए, तो उससे पहले भी दो तीन बार जा चुके हैं तो उस समय सुनता नहीं है। तो इस बार जो हुआ बहुत मतलब ज़्यादा ही क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया कि मेरा जो बनाया हुआ घर था और उसमें बाथरूम भी बनाया हुआ था तो मेरे घर परिवार के सारे लोग जाते थे उस पर, तो उस बाथरूम को वो लॉक कर दिया और दरवाज़ा को भी मतलब लॉक कर दिया। और कल मेरे चाचा के जो बेटे लोग हैं वो लोग चाबी मांगने गए तो वो लोग मारने पीटने के लिए उतारू हो गए। तो इसलिए हम बोले कि वो लोग को कि अभी मत जाओ, तो कल हम आते हैं तो जाएंगे। तो हम ज़्यादा मतलब ये गंभीर मामला है बोल के हम थाना को लेना चाहते थे कि थाना देख ले। तो थाना जब घुसे तो SI उसी समय पहुँचे थे, अमरनाथ सोनी पहुँचे हुए थे। तो वो हमको देखते साथ हम बोले कि सर आप तो मेरा केस देख रहे हैं, तो बोला कि चलो चलो बाहर निकलो, ऐसे ही मतलब ये दिए। तो हम बोले कि सर मामला मतलब इतना गंभीर है और आप सुनना नहीं चाहते, तो पेपर लेके आओ, तेरा पेपर कहाँ है, ये वो दिस दैट। तो हम बोले पेपर तो जमा किए हैं सर, तो बोला कि पेपर खो गया है, कहाँ फेंका गया, तो लेके आओ जाओ। तब हम लोग बोले कि हम लोग सुनिएगा नहीं, तो कुछ नहीं सुनेंगे। इतना बोलते साथ वो पूरा जाति सूचक गाली उली देने लगा, उसके बाद मारपीट कर मतलब हम लोग सोचे कि वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने के लिए जैसे ही मोबाइल निकाले वो मोबाइल छीनने लगा और हमको पकड़ के अंदर करने लगा। तो अंदर करने के क्रम में वो मेरा पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया, यहाँ कपड़ा सब वही फाड़ा है। हाँ वही फाड़ा है, ये कपड़ा फटा हुआ है और इधर थोड़ा चोट उट लगा है, तो नाखून भी लगा दिया यहाँ पे। तो उसके बाद फिर हमको बचाने के ये हमको वैसे करने लगा, तो अलविन भाई है हम लोग के। अच्छा आप लोग सब साथ में थे? आप भी थे? आपके सामने ये सब हुआ? क्या क्यों क्या बोल के मारपीट करने लगा? कल ऐसे हुआ ना बाबू, कल बारिश आ रहा था उसी समय ना वो एक दिवस एक ना बंद कर दिया हम लोग का घर बाथरूम थाना में जो गए वहाँ पर। हाँ तो उसी का मामला से गए थे तो बंद कर दिया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये लोग मेरा गोतनी लोग मेरा देवर लोग बोला ना कि देखो बाथरूम को बंद कर दिया, कैसे करेंगे। तो हम बोले कि अभी तोड़ा तोड़ी मत करो, अभी जाएंगे थाना थोड़ा सा, कल सुबह होने दो थाना जाएंगे और थाना में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे और बोलेंगे थानादार को कि चलिए बड़ा बाबू को बोलेंगे कि चलिए सर देख लीजिए अपने से, हम लोग थोड़ा थोड़ी करेंगे तो दूसरा मामला हो जाएगा, थाना वाला को बोलेंगे। वही गए और मेरा लड़का लोग भी गया था, मेरा भाभी का बेटा लोग भी गया था, सब कोई गए थे। तो बोल रहे कि आप पेपर लाइए, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, आप भागो यहाँ से बोल के हम लोग को तो धक्का मुक्का कर रहे, मार रहे पीट रहे। आप मार पीट रहे तो इसको तो पूरा गला पकड़ लिया, इसको बचा रहे, इसको भी सबको का बोल के ये लोग को अंदर घुसाएंगे बोल के ये लोग को बोल रहे, इतना डांट रहे हम लोग का भगा रहे। तो आप ये बंधु तिर्की की बहन है? जी हम अपने हैं, पर क्या करेंगे आप में अपनी बहन है बंधु जी। तो आप बताए नहीं कि हम बोले, वो तो आग बबूला हो रहा है, कुछ बातें नहीं सुन रहे तो कैसे बोलेंगे, कुछ बातें नहीं सुन रहे, वो तो अपना खाली देख रहा है कि हम ये हटो भागो बोल के बोल रहे तो कैसे करेंगे। आपके साथ भी मारपीट? जी मेरे साथ भी मारपीट हुआ और मैं सामाजिक संगठन आदिवासी सेना का महासचिव होने के नाते मामला संज्ञान में आया और साथ में हम लोग मित्र भी हैं संजय लकड़ा के साथ में, हम लोग इनकी माँ के साथ में हम लोग गए हैं। तो थाना के थाना प्रभारी के पास हम लोग अपने फरियाद लेके गए कि सर इस तरह का मामला है, सो आप अपने संज्ञान में लेकर ताला खुलवा दीजिए घर जो बंद है उनको, क्योंकि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है जमीन का। इतना कहते हुए सीधे बोले वो कि जमीन का मामला है कोर्ट में चल रहा है, मेरे पास पेपर पर नहीं है, तुम लोग के पास पेपर है, कौन है तुम लोग, हाँ तुम्हारा जमीन है, ये वो कहते हुए तुम लोग चलो बाहर भागो, नेतागिरी करते हो तुम लोग आदिवासी कोल जंगली लोग साला, तुम लोग बहुत बड़का नेता बन गए हो बोल के सीधे धक्का मुक्की करते सीधे एकदम हाथ चला दिया और हाथ चलाते हुए दो तीन थाप हमको मारा यहाँ। हमारे के बाद सीधे दम बाहर निकाल दिया बीच बचाव में, जब ये आकाश भाई भी साथ में थे सभी हम लोग, उसकी माँ को भी धर पकड़ करने लगा और इसको भी धर पकड़ सीधे थाना अंदर घुसाने लगा। तो इसी में थोड़ा सा पकड़ा पकड़ी और वो हम लोग को सीधा तेरे दम धकेल के गाली ग्लाउज करते हुए बाहर निकालते। इस तरह का हम लोग के साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में आम जनता के साथ इस तरह एक थाना प्रभार ये थाना दरोगा पुलिस अधिकारी इस तरह का जो बर्ताव किया ये काफ़ी निंदनीय है। और हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे दरोगा का कार्रवाई हो, उनको अविलंब सरकार प्रशासन बर्खास्त करे, हम लोग ये मांग करने के लिए और हम लोग STC में भी मामला दर्ज कराने की अविलंब कार्रवाई हो, ताकि इस तरह का जो घटना जो आज हमारे साथ हुआ है, हम आदिवासी समाज के साथ कभी न कभी होते रहता है, इस तरह का जो प्रशासन का जो मनोबल बढ़ते रहता है,
कि एक आम नागरिक के साथ जब वो कुछ किसी तरह का फरियाद लेके जाता है तो उससे अच्छी तरह से बात करने का जगह वो लोग अपना रुतबा दिखाते हैं और इस तरह का ज़बरदस्ती में वो लोग क्या है कि अगला पक्ष की मिली भगत से इस तरह का गलत काम करने का कोशिश करते हैं। हस्तक्षेप करने पर ये लोग ऐसा हम लोग को धमकी देते हैं कि तो आपको FIR कर देंगे, जेल भिजवा देंगे, तो नेतागिरी करते हो तो बहुत बड़ा आदिवासी का नेता हो, जंगली आदिवासी कोल कुकुर करते बहुत आजादी से तो गाली देते हम लोग बाहर निकाले वहाँ से। अब क्या चाह रहे हैं आप, आपके साथ जो कुछ भी हो? हम चाहते हैं कि उसको अब उसको बर्खास्त किया जाए। वो मेरा एक भी मतलब मामला को सुन ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किसी उस अगला से पैसा लिया होगा या कुछ लिया होगा, तभी वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम आज मेरा घर नहीं बनाया हुआ है, वो बहुत पहले का बनाया हुआ है और आज वो जाके ताला लगा रहा है, तो ये तो मतलब गुंडागर्दी ही हुआ है। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम इनू एवं नगर टोली रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।